नमस्कार, आप देख रहे हैं वीक न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अगर आपके सांस लेने में कोई तकलीफ है और आपके लंग्स कमजोर हैं तो बिल्कुल चौंकिए नहीं, अलर्ट मोड में आ जाइए, क्योंकि जो सांस ले रहे हैं उसमें जहर घुल चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये कोरोना के भय के कारण नहीं है, या आप ये कह सकते हैं ये कोरोना रिटर्न्स की स्थिति नहीं है, प्राकृतिक आपदा भी है। लेकिन दिल्ली एनसीआर आप कह सकते हैं, ग्रेटर दिल्ली एनसीआर स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। कारण ये है कि दिल्ली में 450 AQI स्तर को पार कर गया है कई स्थानों पर, और पिछले दो दिनों से जब कोई सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल रहा है, या ऑफिसेज के लिए निकल रहा है, या अपने काम धंधे पर निकल रहा है, उसके लंग्स अगर कमजोर हैं तो उसको बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। लेकिन दिल्ली एनसीआर में कामकाजी लोग हैं, मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, अर्थात पॉल्यूशन की स्थिति बेहद खराब है। मौसम परिवर्तित हो चुका है, हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में पूरे दिल्ली एनसीआर, या आप यूं कह सकते हैं कि ग्रेटर एनसीआर में सिर्फ धुएं धुएं, बादल की स्थिति नहीं है लेकिन एक अंधेरी रात की स्थिति लगभग 11 बजे दिन तक बनी रह गई। आखिर में ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम आप अगर जिम्मेदार हैं तो माने, सरकारें जिम्मेदार हैं तो वो माने। लेकिन इस संदर्भ में गोपाल राय जो दिवाली को लेकर के बहुत पहले अलर्ट मोड पर आ गए थे, ये वही गोपाल राय हैं जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, और दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करने के लिए दिवाली पर पटाखे बैन का इन्होंने नारा दिया और एक महीने पहले ही बैन की घोषणा कर दी, जो 3 सालों से करते आ रहे हैं। आज यही गोपाल राय एक बयान दे रहे हैं कि ये हमारे अकेले के बस की बात नहीं है, तो फिर किसके बस की बात है? सवाल है, उनको लगता है कि हरियाणा को भी इसमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए, राजस्थान को भी आगे बढ़ाना चाहिए, उत्तर प्रदेश को बढ़ाना चाहिए, उसमें दिल्ली भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आधे से अधिक, मतलब 50% जिम्मेदारी दिल्ली की है और 50% जिम्मेदारी इन राज्यों की है। सीधा कहना चाहते हैं कि वहां पर किसान पराली जला रहे हैं, पहले दिल्ली और अब पराली, और पराली जलाता कौन है? किसान जलाता है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में खेती नहीं होती, तो उसके लिए आपने क्या किया? दिल्ली में भी पराली जलाई जा रही है, आप तस्वीरों और वीडियो के जरिए देख सकते हैं, हरियाणा में भी जलाई जा रही है, और उत्तर प्रदेश, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जो दिल्ली से सटे हुए हैं, वहां भी पराली जलाई जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी ने बहुत पहले घोषणा कर दी है कि अब पराली ऊर्जा का आधार बनेगा, उससे वो खनिज तेल बनाएंगे, या आप कह सकते हैं ईंधन का उत्पादन होगा, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा। फिर करना क्या चाहिए, उसके संदर्भ में भारत सरकार को क्या करना चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, ये भी कह सकते हैं कि हमने बहुत कुछ किया भी। फिर दिल्ली की आबोहवा इतनी खराब क्यों है? हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि पाकिस्तान के लाहौर में भी पराली जलाई जाती है, लेकिन लाहौर का मुख्यमंत्री अपने देश के प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर से अनुरोध कर रहा है कि राजनयिक स्तर पर भारत से शिकायत की जाए कि भारत के कारण ये सारा पॉल्यूशन है। मतलब हम विकास की राह में इतना आगे बढ़ रहे हैं और पॉल्यूशन फैलाने में कुछ देश हमको दोषी ठहरा रहे हैं। कम से कम इस पर जो राजनीति हो रही है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो अरविंद केजरीवाल की, या केंद्र सरकार हो, अब कुछ बोलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि भुगत रहे हैं दिल्ली एनसीआर और ग्रेटर एनसीआर के लोग। करना क्या चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। अभी तक त्योहारों को टारगेट किया गया, अब पराली को टारगेट किया जा रहा है। सवाल यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गोपाल राय क्या इस बात का जवाब देंगे, जो कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं दिल्ली में, वो सब बंद हो गए? अगर इसका जवाब है तो वो दे। कितने ऐसे यूनिट्स हैं जिस पर अगर राजनीति न की जाए तो वो बंद कर दिए गए क्या, इसका भी जवाब दें।
और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भी मुख्यमंत्री को सचेत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नोएडा उत्तर प्रदेश का वो शहर है जो NCR का बड़ा पार्ट है और यहां पर भी AQI स्तर 450 को पार कर चुका है। 450 का मतलब होता है कि अगर आप लंग की किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो आपकी जिंदगी खतरे में है। ये आधार है, ये मेडिकली हम ये बात बोल रहे हैं, ये अपने मन से बात नहीं बोल रहे हैं। तो दिल्ली NCR में लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डाले हुए हैं। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम 2030 तक बन जाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य का भी एक बड़ा आधार है। विकसित देश की पहली जो पैमाइश और पैमाना होता है उसमें आपके आधारभूत सुविधाओं में स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि दिल्ली NCR या ग्रेटर NCR में स्थिति यह है कि आपको सांस लेने के लिए वही मास्क पहनना पड़ रहा है जो कोरोना से बचने के लिए हम पहन रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, दसियों साल से है, लेकिन इस बार स्थिति ज्यादा खराब हो रही है और अभी दिवाली नहीं आई है। तो एकमात्र कारक गोपाल राय जी को अब तो समझ लेना चाहिए कि दिल्ली में पटाखे ही नहीं है, उस पर राजनीति बंद करें। और साथ ही साथ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के भी प्रतिनिधि एक साथ ये बैठक करके कोई एक फॉर्मूला क्यों नहीं तय करते? क्योंकि हर बार यही होता है और हर बार मीडिया इसी तरह से सवाल उठाती और खास करके इस मुद्दे को जब भी मौका मिला उठाया गया। और हमने तो कई बार दिल्ली के कुछ सांसदों से बात की, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से बात की, वो यही कहते हैं कि हमारे अकेले के बस की बात नहीं है, फिर राजनीति, क्योंकि इस पर अभी कोई एक फॉर्मूला ही तैयार नहीं हुआ है जिसमें ये चारों, खास करके दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केंद्र के प्रतिनिधि बैठ करके एक रणनीति हो कि दिवाली के या इस मौसम के शुरू होने के एक महीने पहले क्या क्या ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस पर रोक लगाई जा सके। सवाल यह है कि एरियल वाटर का छिड़काव क्यों नहीं किया जा सकता जिससे वो कण जो धुएं के हैं या जो धूल के हैं वो नीचे दबे। दिखाने के लिए दिल्ली के कुछ एरियाज में, और उसका भी वीडियो शॉट बना करके राजनीति की जाती है, और हमने देखा कि नोएडा में भी और हरियाणा में भी अब यही हो रहा है। लेकिन इससे प्रदूषण कम नहीं होगा। इसके लिए जब हम हर क्षेत्र में इतना आधुनिक हो रहे हैं तो इस समस्या से निपटने के लिए हमको एक बड़ी रणनीति अपनानी होगी जिसको हम नहीं अपना पा रहे हैं। और हम मजबूर हैं कम से कम दिवाली के 5 दिन बाद तक इस तरह के माहौल में और इस तरह की आबोहवा में जीने के लिए। और ये सब सरकारें एक दूसरे पर दोषारोपण करती हैं लेकिन किसी के पास कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन का फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आपसे जुड़े स्वास्थ्य का मुद्दा है। और कॉन्शियस होइए, बेहद कॉन्शियस होइए कि आप इतने आधुनिक शहर में रहते हैं लेकिन सुबह जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो इस मजबूरी में कि पता नहीं सांस में क्या तकलीफ आ जाए। और ये एक डर है, ये एक हमला है, और वो हमला वो दुश्मन है जिसको हमने आपने पैदा किया और जिसको हम आप जिंदा कर रहे हैं। इसलिए सरकारों को चेत जाने का ये समय है, इस पर राजनीति न की जाए तो बेहतर है। आपकी क्या राय है इस पर, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए VK न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।